तो मैं आपसे एक चीज खुलकर कहना चाहता हूं कि विरोध आप खुलकर कीजिए, चाहे समाज हो या राजनीति, क्योंकि इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। अगर ये बात समझ में आएगी मेरी, तो जरा गौर कीजिएगा उन लोगों पर जो आज भी रिया चक्रवर्ती को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा उनके ऊपर जो आज भी सलमान खान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में इस केस को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया। सीबीआई से आशा भी यही करेंगे कि निष्पक्ष रूप से इस केस की जांच हो, नंबर एक बात। दूसरी बात आई, हम लोग क्या है कि अभी रिया चक्रवर्ती और 15 करोड़ को लेकर के उलझे हुए हैं। अगर यहीं पर उलझे रहेंगे तो शायद हमें नहीं लगता कि यह केस बहुत आगे तक जा पाएगा। अब आइए बात करते हैं, वो चाहे जिया खान का मैटर रहा हो, चाहे परवीन बॉबी का मैटर रहा हो, चाहे दिव्या भारती का मैटर रहा हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मैटर रहा हो, इन चारों लोगों का मरना संयोग नहीं हो सकते। दूसरी बात, मैंने आपसे पहले की वीडियो में भी बताया था कि दिशा सालियन के मर्डर की गुत्थी सुलझा लोगे तो सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर की गुत्थी अपने आप सुलझ जाएगी। रिया चक्रवर्ती को और सिर्फ रिया चक्रवर्ती को और सिर्फ रिया चक्रवर्ती के फैमिली वालों को पकड़ने से यह केस कभी सॉल्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिया चक्रवर्ती तो सिर्फ एक मछली है। बड़े बड़े मगरमच्छ तो अभी निकलने बाकी है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए बस। अभी हुआ क्या, जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी, पहली लाइन थी उसकी कि सुशांत सिंह राजपूत का केस टर्निंग पॉइंट ले रहा और उद्धव ठाकरे का लाडला उसमें फंसता हुआ दिख रहा है। और दूसरी लाइन थी जो दूसरे वीडियो की कि आदित्य ठाकरे को फंसता हुआ देख तिलमिला उठे संजय राउत। अब देखिए, किसी के नाम को मैंने उस तरीके से नहीं एक्सपोज किया था, लेकिन कुछ लोगों ने शायद उस बात को दिल पे ले लिया और उन्होंने कमेंट्स करना शुरू कर दिया कि जब आप महाराष्ट्र आओगे तब हम आपको बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं, महाराष्ट्र आऊंगा, तारीख भी बताऊंगा और जो बताना होगा आप हमें बताइएगा, नंबर एक बात। दूसरी बात, आज सिर्फ आदित्य ठाकरे, सलमान खान, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, संदीप सिंह, दीपेश और भी जितने लोग, सैमुअल मिरांडा, जितने भी लोग इस केस में शामिल हैं, एक एक व्यक्तियों का नाम मैं अकेला नहीं ले रहा हूं। जाकर के यूट्यूब पर वीडियो सर्च करोगे, गूगल सर्च मारोगे तो हजारों नाम निकल करके आएंगे। ये सिर्फ मैं अकेला नहीं बता रहा हूं, बस सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, जानने वाली बात है। आज ये जनता शांत बैठी है, कल को नहीं बैठेगी, क्योंकि जनता को भी पता है कि सच क्या है और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज भी कहता हूं कुछ लोग मेरे को फिर से बोले कि ये शिवसेना का नाम खराब करके रहेगा, मुझे शिवसेना का नाम खराब करने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं थोड़ा सा पालघर के मैटर पे। क्या हुआ, क्या न्याय मिल गया? जिन दो संतों को मारा गया था क्या उन्हें न्याय मिल गया? बात करते हैं मुंबई पुलिस की। कुछ लोगों ने कहा कि मुंबई पुलिस इसके वीडियो के ऊपर एक्शन ले लेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुंबई पुलिस अगर मेरे वीडियो पर एक्शन लेती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये वही मुंबई पुलिस है जो आज तक यह पता नहीं लगा पाई कि आखिर सलमान खान की गाड़ी चला कौन रहा था, नंबर एक बात। दूसरी बात, पिछली बार भी मैंने मुंबई पुलिस के बारे में थोड़ा सा बोला था। देखिए, पुलिस वालों का हम बहुत सम्मान करते, थोड़ा नहीं बहुत सम्मान करते हैं, और आज भी दिल से सैल्यूट करते हैं उन बिहार के पुलिस वालों को। दिल से सैल्यूट करता हूं गुप्तेश्वर पांडे को, दिल से सैल्यूट करता हूं आईपीएस विनय तिवारी को, जिन लोगों ने इस मुहिम को इतना आगे बढ़ाया और जो कार्य मुंबई पुलिस 40 दिन में ना कर सकी वो कार्य को बिहार पुलिस ने 4 दिन में कर दिखाया। तो अगर मेरी इस बात से मुंबई पुलिस मेरे ऊपर एक्शन ले लेती है तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, लेकिन भविष्य में मेरी आने वाली कोई भी पीढ़ी कभी भी वर्दी का सम्मान नहीं करेगी, उस वर्दी का सम्मान नहीं करेगी जो शायद निष्पक्ष रूप से जांच नहीं करती है। आइए अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस पर और सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर। मुझे धमकियां आती है, आने दो, बस आप लोग अगर हमारा समर्थन करते हो इस बात में तो सीधी सी बात है, अगर वीडियो सही लगेगी तो इसको लाइक कीजिएगा, लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और हाँ कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि रिया चक्रवर्ती तो सिर्फ एक मछली है, बड़े बड़े मगरमच्छ तो अभी निकलने बाकी है। अब देखिए होता क्या है कि जब इतनी सारी वीडियोस वायरल हुई, इतने सारे ट्वीट हुए, कल 1.5 मिलियन से ज्यादा ट्वीट हुए थे सुशांत सिंह राजपूत के लिए। अब इन सारी चीजों को देख करके जो बड़े बड़े आका लोग हैं, जिनकी सरपरस्त बनकर के रिया कार्य कर रही थी, फिर से कुछ नाम लेता हूं। आप लोगों को पता होगा कि पिछले समय सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा नाम उछाले गए थे। वो कौन कौन से नाम थे? नंबर एक जो नाम आ रहा था वो था सलमान खान का,
दूसरा अरबाज खान का, तीसरा सूरज पंचोली का, चौथा महेश भट्ट का, पांचवा करण जौहर का, छठा रिया चक्रवर्ती का, सातवां संदीप सिंह का, आठवां दीपेश का, और भी जितने लोग, सिद्धार्थ पिठानी, शौविक चक्रवर्ती, जितने भी लोग इस केस में शामिल हैं, मैं एक चीज कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि अगर सीबीआई ने निष्पक्ष रूप से जांच की तो सबके सब जितने भी मगरमच्छ इस केस में शामिल है सबके सब आपके सामने आएंगे। उस दिन आप कहोगे कि भाई साहब आपने सही बोला था कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं बार बार चिल्ला करके इन नामों को क्यों एक्सपोज करता रहता हूं? मैं बार बार यह क्यों कहता रहता हूं कि मर्डर एक नहीं हुआ है, मर्डर दो हुए हैं। नंबर एक दिशा सालियन का और नंबर दो सुशांत सिंह राजपूत का। सबको मर्डर बोलते हुए सबका कलेजा हिल जाता है क्योंकि लोग इसे आत्महत्या साबित करने पर जुटे हुए हैं। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि चाहे वो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे हों या जितने भी लोग, इन सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि थोड़ा सा सत्य का साथ दो। बाकी जो पार्टी जिसका नाम था शिवसेना, जो वीर शिवाजी के आदर्शों को लेकर के आगे बढ़ी थी, उस समय दिल से सल्यूट करता था, बाला साहब ठाकरे के हुंकार भरने पर पूरी मुंबई स्तब्ध हो जाती थी, उस समय बाला साहब ठाकरे को दिल से हृदय की गहराइयों से नमन करता था, लेकिन आज उद्धव ठाकरे के आने के बाद शिवसेना की हालत सोनिया सेना और शिवसेना से भी व्यवस्थर हो गई है। तो जो भी चीजें हैं, जो भी सच्चाई है, उन्हें खुलकर सामने लाइए। मैं आपसे एक चीज खुलकर कहना चाहता हूं कि विरोध आप खुलकर कीजिए, चाहे समाज हो या राजनीति, क्योंकि इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। अगर ये बात समझ में आएगी मेरी, तो जरा गौर कीजिएगा उन लोगों पर जो आज भी रिया चक्रवर्ती को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा उनके ऊपर जो आज भी सलमान खान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही सलमान खान है, ये वही सलमान खान है जिन्होंने काले हिरण का शिकार किया था, और ये वही सलमान खान है जिन्होंने सड़क पर सोते हुए मजदूर के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई थी। तो आज एक चीज आपसे बहुत खुल करके कहना चाहता हूं कि मुझे भय सलमान खान का नहीं है, मुझे भय अरबाज खान का नहीं है, और मुझे भय सूरज पंचोली का नहीं है। सीधी सी बात है, सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, जो सत्य है वो सत्य है, जो असत्य है वो असत्य है। और एक बार आज फिर से कहता हूं कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था, लोग आत्महत्या साबित करने में बिल्कुल लगे हुए थे, बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से, लेकिन आज वो मर्डर साबित होगा, ये सीबीआई उसे मर्डर साबित करेगी। अगर सीबीआई निष्पक्ष रूप से जांच करती है, आशा जो हमारी यही है सीबीआई से, तो आपके सामने एक बार फिर से बोलू ना कि रिया चक्रवर्ती तो सिर्फ एक मछली है, बड़े बड़े मगरमच्छ तो निकलना अभी बाकी। तो आइए देखते हैं क्या क्या होता है आगे इस केस में। बाकी जितनी भी चीजें थी या जितने भी लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, अभी आप लोगों ने देखा कि लेटेस्ट में अभी रिया चक्रवर्ती से ईडी ने बातचीत की, साढ़े आठ घंटे तक बातचीत की। सुशांत सिंह राजपूत की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से भी बातचीत की गई। तो जितने भी लोगों से बातचीत की गई, देखना धीरे धीरे ये केस बहुत सही पॉइंट को पकड़ेगा, और जैसे टर्निंग पॉइंट लेगा, बड़े बड़े मगरमच्छ सामने आएंगे, फिर आप कहोगे कि भाई साहब आपने सही ही कहा था कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके मेरा एक निवेदन कि जितने भी लोग चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में निष्पक्ष रूप से जांच हो, जितने भी लोग चाहते हैं कि सुशांत सिंह केस को आगे बढ़ाया जाए, तेजी से आगे बढ़ाया जाए, निरंतर इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए, तो आप अभी भी लिखते रहिएगा वी वॉन्ट फेयर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन फॉर सुशांत सिंह राजपूत, और समर्थन कीजिए उन लोगों का जो सुशांत सिंह राजपूत के केस के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप उनका समर्थन करेंगे तो आप उनके मनोबल को बढ़ाएंगे। तो सीधी सी बात है कि जो भी चीजें चल रही है, परिणाम बहुत जल्द आपके सामने आएगा। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि रिया चक्रवर्ती तो सिर्फ एक मछली है, बड़े बड़े मगरमच्छ निकलना भी बाकी हैं। अगर आप समर्थन करते हैं हमारी बात का, सीधे लाइक का बटन खट से दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, और हमारे फेसबुक पेज से जुड़िए, इंस्टाग्राम से जुड़िए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। जो भी एविडेंस है आपके पास, जो भी साक्ष्य है आपके पास, आप हमें भेजिए हमारे इंस्टाग्राम पर, हम आपके नाम के सहित अपने वीडियो में उसे डालेंगे, बताएंगे जो भी एविडेंस आप हमें देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।